दिल्ली के भारत मंडपम प्रगति मैदान में शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री ने बैठक आयोजित की, जिसमें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री सहित अन्य राज्यों के वित्त मंत्री भी मौजूद रहे। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से दिल्ली में बजट से पहले बैठक रखी गई, जिसमें छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने निर्मला सीतारमण से दिल्ली में बजट से पहले रखे बैठक में स्टेट कैपिटल रीजन के विकास के लिए आर्थिक सहायता, राज्य में रेल नेटवर्क का विस्तार, डीएमएफ के नियम में बदलाव करने के लिए प्रस्ताव रखे। बैठक में वित्त मंत्री चौधरी ने नागपुर, रायपुर, विशाखापट्टनम नवीन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने या वर्तमान प्रस्तावित कॉरिडोर से रायपुर को जोड़ने, राज्य में टेक्सटाइल पार्क और मेडिकल डिवाइसेस पार्क की स्थापना का भी अनुरोध किया। इसके अलावा उन्होंने दुर्गम वन क्षेत्रों के जर्जर सड़कों के साधारण, केंद्रीय सुरक्षा बलों के कैंपों तक सड़क निर्माण, रायपुर में बुजुर्गों के लिए इंटीग्रेटेड जीरियाट्रिक हेल्थ सेंटर की स्थापना का प्रस्ताव रखा। साथ ही उन्होंने आयुष्मान भारत हेल्थ योजना की राशि बढ़ाने, आदिवासी विकास खंडों में एकलव्य विद्यालय खोलने और आकांक्षी जिलों में 2 नवोदय विद्यालय खोले जाने का भी आग्रह किया। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़, हर पल, हर क्षण, हर सच।